हाय गाइज, अक्सा बीच और दाना पानी बीच का नाम सुना ही होगा। तो आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं अक्सा बीच और फिर चलेंगे हम लोग दाना पानी बीच पे। तो सबसे पहले हम लोग अक्सा बीच पे चलेंगे, अभी हम लोग थोड़ी दूरी पे हैं। तो गाइज, हम आ गए अक्सा बीच पे और यहाँ पे बाइक पार्किंग करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, यानी कि 20 रुपए। उसके बाद आपको अंदर की तरफ जाना है, पहले हम लोग पार्क कर लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइज, जैसे ही ये लोग अक्सा बीच के एंट्रेंस पे हम आ गए और यहाँ पे देखिए, आप चारों तरफ देखेंगे तो बच्चों का खेलने का हर एक चीज लगा हुआ है, फैसिलिटीज है, यहाँ पे बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। गाइज, यही वो बीच है जहाँ पे सलमान खान का एक गाना है, चलो अक्सा बीच घुमा दूं, ऐसा कुछ करके एक गाना है सलमान खान का, इसी बीच का नाम वो लेते हैं और इसी बीच को घुमाने की बात करते हैं। गाइज, अभी ये 1 बज रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग आए हैं और हम थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ से जूम करके देखते हैं कि वहाँ पे कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये रहा गाइज, इतने लोग अभी ये 1 करीब में इतने लोग एंजॉय कर रहे हैं। जब बीच के दूसरी तरफ देखोगे तो ये जंगल है और पथरीला इलाका है जहाँ पे भी लोग जाकर एंजॉय करते हैं और बैठते हैं। गाइज, अब हम आपको दिखाने वाले हैं आगे चल के कि कैसे हम लोग दाना पानी बीच की तरफ जाते हैं। और गाइज, थोड़ा सा ये दो बच्चों को देखो यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा नजदीक जाकर हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये पहला वाला एक बोतल को रखकर और चारों तरफ से ये मिट्टी को लगा दिया है और दूसरा वाला ट्रॉली पे कुछ लोड कर रहा है, यानी कि यहाँ का रेत लोड कर रहा है। गाइस, इसको हम हाय बोल के देखते हैं कि ये क्या रिप्लाई देता है। हाय 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 नहीं हाय नहीं बोलोगे। बस अक्सा बीच पे इतना ही, अब हम चलेंगे दाना पानी बीच पे, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए गाइज, चलते हैं दाना पानी बीच पे। गाइज, तो फिर हम उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे और आप लोग भी जब भी आए तो सेम एक ही वे है आने और जाने का। गाइज, हम लोग अक्सा बीच घूम लिए, अभी हम लोग जाएंगे दाना पानी। अब चले भाई, चलो लेट्स गो, चलिए दाना पानी दिखाते हैं। जैसे ही अक्सा बीच से निकलोगे तो राइट लेने पर आप दाना पानी के तरफ बढ़ने लगोगे। यहाँ पे ना गाइस बहुत सारा लॉज है, आप जैसे ही अक्सा बीच से निकलोगे और दाना पानी बीच के तरफ जाओगे तो ये दोनों साइड में ना बहुत सारा लॉज है, आप आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हो और होर्डिंग भी लगा हुआ है, आपको इजिली आपको लॉज मिल जाएगा यहाँ पे। तो गाइस, अब हम लोग फर्स्ट लुक है ये दाना पानी बीच का। तो अब हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और दाना पानी बीच के एंड तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे एंड तक दाना पानी बीच कैसा दिखता है। तो गाइस, ये है दाना पानी बीच, थोड़ी ही दूर में जो सामने दिख रहा है वो एंड पॉइंट है। तो हम लोग जस्ट एंड पॉइंट में पहुंचने वाले हैं। तो गाइस, ये वाला जो एरिया है ये एंड पॉइंट है। गाइस, अभी हम जहाँ है वो है दाना पानी बीच और यहाँ से जो ठीक सामने दिख रहा है वो है अक्सा बीच। तो अक्सा बीच से दाना पानी बीच सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर में है और अभी हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मतलब अभी धूप की वजह से कुछ यहाँ पे है नहीं खास। तो अब हम लोग थोड़ा टहलेंगे और घूमेंगे और दाना पानी फेमस है उन लोगों के लिए जो वाइन्स का शौक रखते हैं, उन लोगों के लिए है, और वो फेमस है कुछ और के लिए। तो गाइस, दोनों में से हम लोग को अभी कुछ नहीं करने का है और मुझे लगा था कि और कुछ होंगे यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से बाइक, जिस बाइक से आए हैं उस बाइक को राइड करके हम दिखाते हैं आपको। और ये बाइक बहुत ही शानदार है राइड करने के लिए और ये वक्त भी सही है और सड़क भी खाली है। तो आइए गाइस, बाइक को स्टार्ट करते हैं और एक राउंड पहले टेस्टिंग करते हैं और देख लेते हैं कि भैया चल सकता है कि नहीं हमसे, क्योंकि काफ़ी दिनों 8 महीने हो गए हैं मुंबई में रहते हुए, तो शायद भूल गए हों और बहुत दिन बाद बाइक को चला रहे हैं। तो गाइस, आइए हम आपको एक राइड करके दिखाते हैं आगे की तरफ जहाँ पे बहुत एरिया खाली है वहाँ पे। तो आ जाओ दोस्त, बैठो और फिर चलते हैं आगे की तरफ दिखाते हैं आप।
ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा बिहार का, क्योंकि वहां पे जा रहे हैं अपने भाई के शादी अटेंड करने के लिए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।